तो भाई ये है आज का नज़ारा कटरा वैष्णो देवी का। मौसम आप लोग देख सकते हैं, शाम का खूबसूरत नज़ारा है त्रिकुटा की, शिवालिक पहाड़ियों का, और ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना चल रही हैं, और शाम का बिल्कुल मनमोहक नज़ारा है। सामने जो मंदिर है ये चरणपाद का, और ठीक सामने ऊपर अर्धकुंवारी है, और मौसम इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। पिछले दो दिनों से काफ़ी हद तक जो है मौसम का मिजाज बदला है। बीते कल भी बारिश हुई और आज सुबह भी बारिश, लेकिन राहत और अच्छी बात यह है कि यात्रा लगातार निरंतर माता वैष्णो देवी के दरबार चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे इस YouTube चैनल यानी डेली यात्रा ब्लॉग का जो YouTube चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि स्थानीय नागरिक होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी तमाम छोटी मोटी जानकारियां आप तक पहुंचाने का, और इसके साथ साथ मौसम से जुड़ी भी जानकारियां देने का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के बारे में जानकारियां जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती हैं, खासकर जो बाहरी राज्यों से पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं। ऐसे में साथियों मैं वन बाई वन आप लोगों से फ़ोन कॉल पे तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर है, मेल आईडी है, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक होगा। कोशिश कीजिए इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर दीजिए, ताकि आप लोगों की जो भी जानकारियाँ रहेंगी, सवाल रहेंगी, पढ़कर मैं वहीं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल माता वैष्णो देवी यात्रा की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो लगातार निरंतर यात्रा चल रही है। ये बाणगंगा की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा मौसम का मिजाज जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एकदम बना हुआ है। आज ताज़ा नज़ारा है और अपने आप में भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। फ़िलहाल ये त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों का मनमोहक और अलौकिक नज़ारा है। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फ़िलहाल। और ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बाणगंगा वाला रास्ता है, श्रद्धालु माता रानी के दरबार जो है यात्रा के लिए जा रहे हैं, प्रस्थान हो रहे हैं, और अपने आप में तो बेहद खूबसूरत नज़ारा है। दिन भर लगातार यात्रा निरंतर चलती रही, आज हेलीकॉप्टर की सेवा कुछ समय के लिए बीच में रुक रुक कर चलती रही, लेकिन बारिश बादल आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं चलती है और पैदल यात्रा ही करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अभी बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है, धीरे धीरे शुरू, क्या मतलब कि प्रतिदिन बारिश हो रही है तो बरसात का मौसम भी है। ऐसे में रेनकोट बहुत ज़रूरी रहता है आने वाले दिनों में, छोटे बच्चों के लिए, अपनों के लिए। गर्मी तो है ही है, लेकिन गर्मी के साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं, मौसम और भी सुहाना बन रहा है। लगातार देश विदेश से माता रानी के प्रेमी जो हैं नगर कटरा में पहुँच रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। साथियों आप मुझसे कैसे कंटेक्ट हो सकते हैं मैंने बता दिया, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप वाला है। साथ में आप कोशिश कीजिए ज़्यादातर इंस्टाग्राम डेली यात्रा व्लॉग को फॉलो करने के लिए, और वहाँ पर मैसेज करने के लिए, और चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। बस यही तरीके हैं जिनसे आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं फ़ोन तो वन बाई वन किसी का नहीं उठा पाऊँगा, और इतना मेरे पास समय भी नहीं होता है साथियों कि आप सब लोगों के साथ बातचीत करूं। कोशिश ये रहती है कि ओवरऑल प्राथमिक जानकारियों को शेयर करने का। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी, धन्यवाद।